दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक से बीच मैदान पर उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ पूरा भारतीय खेमा परेशान हो गया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने ईशान किशन के लिए जो किया उससे सुनने के बाद आप भी उन्हें सलाम करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस पूरे वाकये के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए ईशान किशन ने वेस्टइंडीज की अपनी फॉर्म को बुलाकर गजब की बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद चौके और छक्कों की बरसात करते हुए वो धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुकाबले के 10वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पारी के 10वें ओवर में ईशान किशन के पैरों में अचानक से खिंचाव आ गया और वो बीच मैदान पर दर्द से कराहने लगे, और उनका दर्द इतना ज्यादा था कि वो बीच मैदान पर ही लेट गए और उनके इस दर्द को डगआउट में बैठे मोहम्मद सिराज ने देख लिया और उनसे देखा ना जा सका, और वो सबसे आगे दौड़कर ईशान किशन के पास आए और उन्होंने उनका हाल पूछा, और इसके बाद उन्होंने जल्द ही फिजियो को बुलाकर ईशान किशन की इलाज करवाई और इसके बाद से ईशान किशन दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हुए। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने यह दरियादिली दिखाई है उसके बाद से ना सिर्फ भारतीय बल्कि पूरे विश्व में उनकी सराहना हो रही है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के लिए करोड़ों में बिकने वाले ईशान किशन ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ये बता दिया कि उनके ऊपर इतने पैसे क्यों बरसाए गए। लेकिन जिस तरीके से वो बीच मैदान में चोटिल हो गए हैं उससे ना सिर्फ भारतीय टीम बल्कि उनकी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिट है और एक बार फिर से मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बीच मैदान पर जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने बड़ा दिल दिखाते हुए ईशान किशन को ठीक होने में मदद की है उसके बाद तो हर जगह उनकी जमकर तारीफ हो रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी मोहम्मद सिराज कई बार दूसरे खिलाड़ियों की मदद करते आए हैं, चाहे वो भारतीय हो या फिर विरोधी हो, मदद वो करते ही हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद सिराज के इस दरियादिली को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।